वेलकम बैक माई चैनल वंस अगेन। तो आज मैं आपको एक खूबसूरत सा क्यूट सा नेकलाइन डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही इजी है। लेकिन आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल होना चाहिए जो इधर इसके नीचे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास क्या क्या है। ये मेरे पास शर्ट का फ्रंट पीस है, ठीक है। साथ में ये बीड्स हैं मेरे पास, ठीक है। ये इस्तेमाल होंगे, ये लेस इस्तेमाल होगी, और ये गोटा वर्क में जो इस्तेमाल होती है नलकी, या ये गोटा नलकी जो है ये कहाँ पे इस्तेमाल होगी ये भी मैं आपको बताऊंगी। और इसका इस्तेमाल देखने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप तक आसानी पहुँच सकें, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने जो नेकलाइन है बिल्कुल सिंपल सा, ये मैंने कट करके रखा हुआ है, ठीक है। साथ में ये मेरे पास पट्टी है, जो मैं शर्ट के ऊपर ये नेकलाइन प्लेस करने के बाद तो मैं साथ में इस जो मतलब इसके साथ इसको लगाऊंगी। तो इसको बनाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमने उसके गले के ऊपर डिज़ाइनिंग किस तरह से करनी है। तो चलिए स्टार्ट करती है, मैं पहले इसको प्लेस कर लेती हूँ। हाँ जी, तो जैसे कि मैंने बोला था कि ये हमने गला बना लेना है बिल्कुल सिंपल तरीके से, वो आपको बनाना आता ही होगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके ऊपर ये राइट साइड है, ठीक है, ये फ्रंट साइड है, राइट साइड है, इसके ऊपर अब हमने मार्किंग करनी है। जितना फासला आप चाहें आप उतना इधर से रख सकती हैं। जब मैं मार्किंग करूंगी तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या करने जा रही हूँ, ठीक है जी। इधर से हमने ये एक इंच जो हमारे गले का पेपर पट्टी है वो हमने समझे छोड़ दिया, ठीक है। इधर से हमने गले के साथ निशान लगाने शुरू करने हैं। इधर से उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा ऐसे, ठीक है। और ये हमारा दरमियान है, दरमियान से तकरीबन हमने एक डेढ़ इंच का फासला छोड़ देना है, ठीक है। ये हमारा दरमियान था ना, ये वाला जो है, ठीक हो गया इधर से। और इधर से हमने नीचे तक एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है बिल्कुल सीधी, ठीक है। जहां तक आप चाहें वहां तक आप ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये कर रही हूं जी 8 इंचेस तक, 8 इंचेस, ठीक है। ऊपर से नीचे तक कितनी होगी जी, ये है जी 14 इंच तक, ठीक है। ऊपर से नीचे तक आपको समझ आ रही होगी, अभी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हाँ जी, ये दूसरी भी मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, आपको नजर आ रही होगी। इसी तरह हमने 1 इंच छोड़ के, ठीक है, 1 इंच 1 इंच 1 इंच 1 इंच, और फिर इधर से भी 1 1 इंच जो है ना, इस तरह हमने बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह ये आ रही है। लेकिन एक बात कि इसकी लेंथ जो है, इसकी वाली लेंथ जो है हमने पहली वाली से कम रखनी है, और ये तकरीबन मैंने 1.25 इंच 2 इंच जो है ना इसकी लेंथ कम रखी है, ठीक है। ये इधर है, ये इधर है, ठीक है। इसी तरह मैं दूसरी भी इधर ड्रा कर लूँगी। हाँ जी, उम्मीद है कि आपको ये दोनों तरफ की जो लाइंस हैं वो ड्रा हुई भी नज़र आ रही होंगी, ठीक है। आप चाहें तो एक एक लाइन और ड्रा कर सकते हैं, लेकिन ये है कि इनका फिर दरमियानी फासला आपको कम करना पड़ेगा। हमने ये भी हिसाब रखना है कि ये वाला जो हमारा तीरा है इसके ऊपर जो हमारी शोल्डर्स हैं इनके ऊपर ये लाइनिंग जो है ना वो बराबर बराबर की आई, ठीक हो गया। मैंने ये दो ड्रा की हैं, ठीक है। इनके ऊपर अब मैं ये जो मेरे पास लेस थी ये मैं लगाऊंगी। तो सबसे पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और जब पसंद आए तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है जी। हाँ जी जनाब, तो ये देखें जी, ये कितनी प्यारी लग रही है लेस जो मैंने ड्रा करके तो ये ऊपर लगाई थी। अब बारी है जी इस गोटा नलकी की, ठीक है। अब बारी इसकी है, इसको कैसे यूज़ करना है इसका भी इंशाल्लाह मैं इसके मैं लटकन बनाऊंगी। लटकन बनाकर तो इनके नीचे मैं लगाऊंगी, ठीक है, इन बीड्स के साथ, ठीक है जी। तो अभी मैं इनके लटकन बना लेती हूँ, लटकन बनाने के बाद भी मैं बीड्स के साथ आपको लगाकर तो फिर बताऊंगी। तो इंशाल्लाह अगर आप चाहते हैं कि आपको इनके मैं लटकन बनाना सिखाऊं, कसल जिनको बोलते हैं, आपको रेडीमेड भी मिल सकते हैं, लेकिन आप अगर आपके पास ये अवेलेबल है गोटा नलकी तिल्ला तो आप इसके साथ खुद भी घर में मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग में बना सकते हैं। मैं खुद बनाने लगी हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसकी वीडियो मिले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो सीखने वाले हैं वो मुझे बताएं कि आपको इसकी वीडियो सीखनी है, वीडियो देखनी है, टसल्स बनाने देखने हैं, तो मैं इसके ऊपर भी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी और अपलोड करूंगी आपके लिए स्पेशली, ठीक है। तो अभी मैं इनके रेडी कर लेती हूँ जी। फ्रेंड्स ये देखें, ये जो जी होम मेड हैंडमेड बाय गुड़िया शहजादी ये टसल्स जो हैं बनकर रेडी हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत और अच्छे बाज़ार से जो हैं ज़्यादा खूबसूरत। और आप ये एक ले आएँ तो इससे काफ़ी ज़्यादा ये बन सकते हैं। देखें पहले भी मैंने आपको दिखाया, अब मेरे पास ये जो बीड्स हैं इनके साथ मैं इसको मतलब पिरो के तो इनको अटैच करके तो फिर कम्प्लीट करके आपको दिखाती हूँ।